अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं यार? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन सुबह 6:30 का। आज है ईद का सेकंड डे। पहले दिन में कुछ खास एक्टिविटी नहीं थी, आप लोगों को पता है। तो आपके भाई ने सोचा था कि पापा से चलेंगे जाकर थोड़ा एंजॉय वगैरह मार के आएंगे, पप्पू हैं उनसे मुलाकात करके आएंगे। रात को मैंने आंटी को कहा, मेरी आंटी रहती है, उन्होंने कहा बेटा मुझे हम इकट्ठे चलेंगे। मैंने कहा डन हो गया। मैंने उन्हें कहा सुबह हमने अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे, मतलब धूप निकलने से पहले पहले, मतलब सन के बाहर आने से पहले पहले। मैं सो ही रह गया, मुझे कुछ पता ही लगा। अब भी आंटी का फोन आया था कि 15 मिनट पहले ना कहाँ पे। मैंने कहा मैं उस टाइम नींद से उठा था, मैंने उनको बताया नहीं। मैंने कहा मैं 10 मिनट में आया, अब जल्दी से बात की। आपका भाई फुल रेडी हुआ खड़ा स्पेशली, ऐसा आप लोगों को नजर आ रहा होगा। जल्दी गाड़ी निकालते हैं, निकलते हैं पापा के लिए। आंटी की तरफ पहुंच गया हूँ, आंटी को पिक करना है। और मुझे मैंने कहा 10-15 मिनट तक आता हूँ, अभी मैं दोबारा टाइम देखा तो मैं पूरे 45 मिनट बाद आंटी को लेने के लिए पहुंच रहा हूँ। बेकरी में आए हैं दोबारा, लास्ट टाइम भी जब मैं आया था इधर पापा तो इसी बेकरी में आया था। मैंने कहा यार फूफो के पास जा रहे हैं, जरा लेके चलते हैं, फायदा होगा, फूफो को खुश करेंगे, फिर फूफो हमें ईद के लिए खुश करेंगी। साथ मेरा खर्चा वहाँ पर ज़्यादा नहीं, क्योंकि बच्चे भी हैं छोटे छोटे, उनको भी आगे ईदी शीदी वगैरह देनी पड़नी। उन्हें कहना है कि हमें ईदी दें, उनको भी देंगे, नो डाउट देंगे, ईद बच्चों की होती है, उनको लाभ भी देंगे। तो मैंने कहा साथ लेके जाएँ। अम्मा कहती है कि किसी घर जाना तो ऑब्वियस बात है कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए, और आपको पता है कि अच्छा जैसे रुकता है। तो लास्ट टाइम मैं गया था, घर गया था, दिन वापस आया था, अभी सुबह का टाइम है, तो मैं जाते जाते खुद ही ले जाता हूँ ताकि वहाँ जाके इन्जॉय करूँ, थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ, क्वालिटी टाइम, उसके बाद फिर वापसी घर को निकलेंगे। पाकपतन में यार ये लास्ट टाइम भी इसी बेकरी पर आया था, बड़ी खूबसूरत और बड़ी एक माशाल्लाह बेहतरीन बनाई है, चौधरी बेकरी के नाम से हर चीज़ है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी पाकपतन में भी इस लेवल की बेकरी बनेगा कोई। और मैं अभी पीछे से आ रहा था, ढूंढते ढूंढते आया हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम अच्छा एक्सपीरियंस रहा, तो मैंने कहा इन्हीं से लेके चलो। ये ऑरेंज बनाया है, साथ इन्होंने आई थिंक खरबूजा मेलन बनाया हुआ है, बड़े वैसे क्रिएटिव क्रिएटिव चीज़ें बना के, ये चेक करें, ये तो पता नहीं क्या है लेकिन ये बड़ी क्रिएटिव चीज़ लग रही है। ये देखें कितनी क्यूट चीज़ें लगाई हुई हैं भाई ने, मेरा भजन बस यही करना है, बड़ा ही प्यार लग रहा है। बेकरी डन होगी चौधरी से, इसके अंदर सारा कुछ डलवा लिया, केक रेसिपी डलवा ली, बाकी चीज़ें डलवा ली हैं। अब चलते हैं जल्दी से घर को पहुँचते हैं और वहाँ जाके नाश्ता मारते हैं, जो कि होगा देसी नाश्ता, क्योंकि सुबह जल्दी भी निकले तो नाश्ता नाश्ता कोई नहीं किया, जाके वहाँ पे नाश्ता करते हैं। ये जी हमारा लग गया नाश्ता बेहतरीन से, राइस भी आ गए हैं साथ, भाई नान भी लाए हैं साथ ही, इसके अंदर 2 सालन भी हैं, क्योंकि गाँव का नाश्ता फिर फुल क्रेजी मैक्सी मैक्सी होता है। अब यार ये आप लोगों को एग नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से हैं। मैंने अम्मा से पूछा है कि इतने छोटे क्यों हैं, मैं कहती बेटा ये देसी अंडे होते हैं, देसी अंडे ना छोटे होते हैं। तो आप लोगों के लिए भी एक ये लर्निंग है कि देसी अंडा जब भी होगा साइज में छोटा होगा। गाड़ी वहाँ लगा दूँ, यहाँ पे क्या करना है? वो पीछे क्या टमाटर उतर रहे हैं? क्या बात है सर, वो आप लोगों को नजर आ रहा है जो अभी यहाँ से उतर के मंडी में जाने हैं सारे टमाटर में। अभी आपको करीब जाके दिखाता हूँ, पहले जरा भाई कह रहे हैं गाड़ी साइड पे लगा, तो वो लगा ट्रैक्ट फसलों के अंदर, क्योंकि ये भाई के हैं। मैंने बताया था ना लास्ट टाइम आया था वीडियो में, आपको दिखाया था कि टमाटर टमाटर लगाए हुए हैं, बड़े होंगे तो पैसे पैसा होगा, बहरहाल टमाटर का रेट कम हो गया तो पैसा पैसा तो नहीं हुआ। लेकिन ये कि वो कह रहे हैं कि अभी इनके पीछे भी एक टेक्निक है। मैंने कहा भाई आपके टमाटर तो कुछ ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं जा रहे, कहते यार इसके पीछे टेक्निक ये है क्योंकि अभी तो 30 रुपीज़ के जी के लिहाज से टमाटर मिल रहा है, बट अभी कहता है ये 3 माह तक चलना है, और ये जो बेलें हैं चाइना की बेल्स को कहते हैं, ये सारा लगा हुआ है। कहते यार ये जितना लगा है ना अभी तकरीबन बकौल इनके के 2-3 माह तक उतरते रहने हैं, लगते रहने हैं। तो कहता रेट एक दफ़ा भी थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो हमारा सारा खर्चा मर्चा क्लियर हो जाना है। तो उस स्ट्रेटजी से ये मतलब इन्होंने ये लगाया था, इनको पता था कि रेट नीचे आएगा टमाटर्स का। आजकल टमाटो आपको पता है 30 रुपीज़ के जी मिल रहे हैं, मैं लेके आऊँ ईद से पहले, और वो भी अच्छे वाले। तो अभी अंदर चलते हैं, जाके दिखाता हूँ कि किस तरह टमाटर के उतार रहे हैं। आपको पता है ये ग्रीन ग्रीन क्यों उतारा जाता है? मुझे नहीं पता था। ये ग्रीन ग्रीन उतारने का सिर्फ एक रीज़न होता है, अगर ये ना ग्रीन नहीं उतारेंगे, रेड उतारेंगे तो इसके बाद आगे ट्रांसफ़र होगा, मंडी में जाएगा, वहाँ से जाने से पहले पहले ये गलना स्टार्ट हो जाएगा और हम परचेज़ नहीं करेंगे जब आगे सेलिंग पर्पज़ पे, मतलब सेलिंग वाली जगह पे पहुँचेगा। तो इसलिए ये ग्रीन उतारते हैं, पहुँचते पहुँचते मंडी तक पहुँचते पहुँचते इसने रेड हो जाना है। और इवन दैट कि मैं भी जब ग्रीन टमाटर मंडी से खरीद के लाऊँ ना तो गड़पड़ा पड़ा भी 2-3 दिनों में रेड होने लग जाता है, मतलब फुल ड्राइप हो जाता है, पक जाता है, उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो अभी अंदर खवातीन लगी हुई हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ पे कल्चर है कि इस तरह की जो काम वगैरह वो खवातीन भी कर रही होती हैं मिलके, और मेंस भी लगे हैं। तो अभी मैं अंदर जाता हूँ, दिखाता हूँ आपको कैसे टमाटर की सिलेक्शन करके तोड़े हैं। ये एक एक बेल को कितना कितना लगा है, ये नो डाउट ये कच्चा है लेकिन इसी में से कोई ना कोई पक्का निकला है। अभी मैं आगे लेके जाता हूँ, एक एक इसके ऊपर कितना कितना लगा हुआ है यार, हैवी सीन हुआ पड़ा है। किस कदर खूबसूरत और प्यारे प्यारे रेड रेड टमाटर लगे हुए हैं, ये फुल बेल के ऊपर लगा है, और ये हाथ लगाने से मेरे हाथ में आ गए
कंप्लीट मतलब ड्राइप हुआ हुआ है। और इसी तरह ये जितनी बड़ी बड़ी बेलें हैं, ये जितना आप लोगों को एंटायर खेत नज़र आ रहा है, सारा टमाटर से भरा हुआ है। ये देखना, ये कितना है, अराउंड ये 1820 केजी टमाटर है। भाई ने मुझे एस्टिमेट अभी लगा के दिया है। और इसके अंदर जो ग्रीन वाला टमाटर होता है, ये ग्रीन ग्रीन टमाटर, उसका रेट ज़्यादा मिलता है मंडी में, ऐसा जो वहाँ पे आर्ट से होते हैं जिनको जाके सेल किया जाता है, जो एग्रीकल्चर वाले सेल करते हैं जाके, वो जो रेड है उसका रेट हमेशा कम दिया जाता है। ये बड़ी इन्फॉर्मेटिव बात है, मुझे लगा कच्चा होगा तो उसका रेट कम मिलेगा। भाई मुझे बता रहे हैं कि जो ग्रीन होगा ना उसका रेट बड़ा ज़्यादा लगाते हैं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता उसने ख़राब होना है ना, आहिस्ता आहिस्ता पकना है, उसके बाद ख़राब होना है। रेड वाला जाएगा और वो फ़ौरन ख़रीद लेंगे, सेल नहीं होगा तो जल्दी से ख़राब हो जाएगा, उनको लॉस हो जाएगा। इसलिए अभी ये आ रहा है, वो आप लोगों के सामने अभी एक और इतनी बड़ी वो स्लॉट आ रही है टमाटर की, बाकी अभी यहाँ पे टक करके गिरा देंगे। थलो नगे भाई, थलो नगे भाई, और करा बस ठीक भाई, कोई निशाना ही नहीं था भाई यार। अगर आप लोगों ने यार गुलेल शुलेर वगैरह चलाई है ना कभी, तो बताना लाजमी नीचे कमेंट करके कि आप लोगों को चलानी आती कि नहीं आती। वो गया, वो गई ना, इस दफा सही गई थी। I'm a gulel expert, bro. ये ना मुंह मार मार के खा रही, तुझे शर्म नहीं आती? इसे खा, तमीज़ तेरे अंदर है, इसे खाते हैं, माँ प्यो ने तमीज़ नहीं सिखाई। भाई ने मुझे अभी बताया कि जितना ये सामान है ना, इसको सारे को इस्लामाबाद भेजा रहा है, इस्लामाबाद की मार्केट में जाएंगे, पेटियाँ फुल तैयार होंगी, अभी आप लोगों को दिखाऊंगा, पेटियाँ फुल तैयार करेंगे, अच्छे से पैक करेंगे ताकि अच्छा प्रॉफिट मिल जाए। और इस्लामाबाद में भाई थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा इसलिए भेज रहे हैं। और पेटियों में पैक करने का क्या रीज़न है, वो आप दूसरे में भी दूर है तो ख़राब ना हो, मतलब सेफली जाएगा। अब पेटियों में भाई साहब पैक करने का काम स्टार्ट करेंगे, और शाम तक निकल जाएगा ये यहाँ तक, शाम से पहले पहले मतलब शाम तक, मतलब रात को मतलब। अच्छा नहीं जी, अब खाना खाने का टाइम आया, तो घर वाले ना इसके अंदर ये तंदूर बनाया है लोकली, वैसे तो गैस वगैरह भी ये सारा कुछ है, बट इसके अंदर हम रोटी बना रहे हैं, तंदूर की रोटी का फुल इंजॉय कर रहे हैं, ताकि फुल मज़ा आए, मतलब इंजॉय द लाइफ। तो ये है कि घर में लोकली तंदूर बना के भी उसको इंजॉय किया जा रहा है। यार वैसे ना मिर्च तोड़ना कोई इतना ऐसा हैवी काम नहीं है। हाँ ये अंदर पौधे आ जा रहे हैं पेड़ से गलती से, और ये देखें कितनी कमाल की लंबी लंबी और फ्रेश मिर्चें हैं, और मेरे पैसे बच गए, मंडी नहीं जाना पड़ेगा मुझे, मुझे सुकून है, मैं बड़ा हैप्पी हूँ। लें सर आपके सामने नजर आ रहा है, टोटल सामान पीछे पैक कर लिया, फूफा के पास आया था, ईद मुबारक भी कहनी थी, उसके अलावा उनके पास थोड़ा टाइम स्पेंड करना था, क्वालिटी टाइम, क्योंकि वो एज उनकी माशाल्लाह ज़्यादा है तो अच्छा टाइम निकलता है, क्योंकि मेरे वाल साहब नहीं है, तो जब भी मैं इनके पास आता हूँ मुझे मेरे वाल साहब की काफ़ी वो रिलेटेबल चीज़ें मिलती हैं, उनकी कोई ना कोई स्टोरी। बहरहाल निकल रहे हैं, रात आपके सामने है, बाहर मौसम काफ़ी अच्छा हो गया और इस टाइम हवा भी चल रही है हल्की हल्की, वो ठंडी ठंडी जिसम को तन बदन को छू जाने वाली हवा लग रही है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप बहुत ज़्यादा वाला मस्ट है। पेज पर अगर देख रहे हैं, मेरे फेसबुक पेज देख रहे हैं, पेज को फॉलो और लाइक करते जाइएगा, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करके लाजमी बताइएगा, इससे अप्रिशिएशन मिलती है, पता लगता है कि मेरा वर्क कैसा जा रहा है, आप लोगों को पसंद आ रहा नहीं आ रहा। आपसे मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।